हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द नॉलेज अड्डा। काशी भोलेनाथ की प्रिय नगरी है और ये बात हम अपनी काशी सीरीज की पिछली लगभग 10 वीडियोस से हर रोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम काशी में स्थित भगवान शिव के लगभग सभी प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में अपनी अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो अपनी काशी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काशी में स्थित माँ विशालाक्षी मंदिर के बारे में। ये मंदिर काशी के मीर घाट पर स्थित है। माँ विशालाक्षी का ये मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, जो स्वयं माँ आदिशक्ति का स्वरूप थी, उन्होंने प्रजापति दक्ष की इच्छा के बिना ही भगवान शिव से विवाह कर लिया था, जिस कारण प्रजापति दक्ष उनसे अधिक क्रोधित हुए। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, पर भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब इस यज्ञ के बारे में माता सती को पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे भी पिता के घर यज्ञ में जाना चाहती हैं, पर भगवान शिव नहीं माने तो माँ सती अकेले ही यज्ञ सभा में चली गईं, जहाँ उनके पिता ने भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहा, जिससे आहत हो माता सती ने अपनी स्व अग्नि से स्वयं को ही भस्म कर लिया, जिसके बाद भोलेनाथ को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में अपनी जटाओं को उखाड़ कर जमीन पर फेंका तो उससे महाकाल और भद्रकाली प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन दोनों ने प्रजापति दक्ष का सर काटकर यज्ञ में डाल दिया और उनके यज्ञ का विध्वंस कर दिया, जिसके बाद महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे और माता सती का मृत देह ले करके ब्रह्मांड में विचरने लगे। तब सभी देवताओं ने माँ आदिशक्ति का आवाहन किया और माँ से इस विपदा का हल पूछा, तो माँ ने भगवान विष्णु को अपने ही शरीर को उनके सुदर्शन द्वारा विभाजित करने का आदेश दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने माँ आदिशक्ति के कहे अनुसार उनके शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और वे 51 भाग पृथ्वी पर जहां भी गिरे वे शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुए। काशी के इस स्थान पर माता की आंखें और कान गिरे थे और इन आंखों के विशाल स्वरूप के कारण ये शक्तिपीठ विशालाक्षी के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा कुछ अन्य मतों के अनुसार यहाँ माँ का शीश गिरा था, ये मान्यता भी प्रचलित है और इस कथन की सिद्धि इस श्लोक से की जा सकती है। काश्याम विशालाक्षी गौरी मुखम निवासिनी, जिसका अर्थ है कि काशी के विशालाक्षी में माँ गौरी का मुख निवास करता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है और स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि एक बार जब ऋषि व्यास वाराणसी में निवास कर रहे थे तो उस दौरान किसी भी नगरवासी ने इन्हें भोजन नहीं दिया, तब माँ विशालाक्षी ने एक गृहिणी के रूप में स्वयं आकर ऋषि व्यास को भोजन कराया था, जिसके कारण इन्हें अन्नपूर्णा के नाम से भी पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ विशालाक्षी के मंदिर में बाबा विश्वनाथ विश्राम करते हैं। इस मंदिर में माँ की दो प्रतिमाएं हैं। जो प्रतिमा आगे है उन्हें 1971 में सिंगेरी के शंकराचार्य ने स्थापित किया था और उनके पीछे जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है। यहाँ माँ विशालाक्षी के साथ काल भैरव की पूजा भी की जाती है। इस मंदिर का स्वरूप दक्षिण भारत के मंदिरों से काफी मेल खाता है, क्योंकि ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है।
1908 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार मद्रासियों ने कराया था। यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु दक्षिण भारतीय ही हैं। यहाँ भादव माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को माँ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं चैत्र नवरात्र में माँ के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मान्यता है कि यहाँ दान, जप और यज्ञ करने से मुक्ति प्राप्त होती है, और यदि यहाँ 41 मंगलवार को कुमकुम का प्रसाद चढ़ाया जाए तो माँ विशालाक्षी झोली भर देती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।